वेलकम दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक्चुअली कल का वीडियो एंड नहीं कर पाया था। आखिरी में बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई थी, तो वही जैसे परसों हुआ था वैसे कल भी हो गया। कल बस वही है कि पेनल्टी लग गई थी, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दोबारा वही अपने काम पे, शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। तो आइए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बारिश में सारे जूते भीग गए हैं, तो इसलिए आज चप्पल पहननी पड़ेगी। चलिए चप्पल पहन लेते हैं, हो सकता है आज भी बारिश हो। तो बस अब निकल रहे हैं, देखूं बाहर का क्या नज़ारा है। वैसे आज मौसम कुछ ठीक ठाक सा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल है मौसम। ये हमारी गली है, तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। दोस्तों अभी अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं अपने यानी लोकेशन पे, और अभी जस्ट मैंने लॉगिन किया है। तो मौसम वही है कि बीच बीच में थोड़ी धूप हो रही है, बाकी आज का काम बस स्टार्ट है। देखते हैं और देखते हैं आज क्या खास रहता है कुछ दिखाने के लिए। मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ कभी कभी कि आज क्या आपको खास दिखाया जाए, कुछ मोटिवेशन सा, कुछ यूनिक सा, या जो आप अपनी लाइफ में देख रहे हो। तो हमें क्या लगता है ना कि यार हमारी लाइफ में हमारे जैसा और किसी के साथ नहीं हो रहा, तो मैं वही सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कॉमन चीज़ें, कि नहीं आप भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है आप अपने आप को अकेला ना समझे, बहुत सारे लोग। तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए मेरे द्वारा, तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जस्ट एक ऑर्डर डिलीवर किया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में, तो अब चल रहे हैं अपनी लोकेशन सिविल लाइन में। तो आइए चलते हैं फिर, और धूप स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इस इलाके को ट्रांसपोर्ट नगर बोलते हैं, थोड़ा डेवलपिंग इलाका है ये। बेसिकली यहाँ प्लॉट लेके बनाया जाता है, शायद ये मान के चल लीजिए कि खेतों टाइप का था। तो अब यहाँ पे क्या है कि लोगों ने यानी अपने घर बनाने चालू कर दिए, यही है। लेकिन ये है कि इसमें पैसे कम मिले हैं, मैं सिविल लाइन से यहाँ करीब करीब 8 या 10 किलोमीटर होगा, सिर्फ 65 रुपये मिलेगा, जबकि थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या कैलकुलेशन है आज तक मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें पढ़ता नहीं हूँ। हाँ ये है कि एट द एंड बस थोड़ा सा हिसाब किताब यानी सही होना चाहिए। तो अब एक एक ऑर्डर का ऐसी लेके रोना धोना करते रहेंगे तब को हो गया काम, तो उसमें ना आप फिर काम भी नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, चल रहा अपनी लोकेशन। ये ऑर्डर लगा है श्री राम भोजनालय का। ये बेसिकली पूरा जो एरिया है ये स्टेशन के पास का एरिया है। ये प्रयागराज जंक्शन जो मेन स्टेशन है, जहाँ से बड़ी बड़ी क्या कहते हैं बड़े बड़े शहरों के लिए जब ट्रेनें निकलती हैं, तो ये वो इलाका। यहाँ पे आप ज़्यादातर ना लॉज देख पाएंगे, लॉज हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर ये लस्सी की दुकान है ये, तो यहाँ पर सब कुछ आपको इसी टाइप का पूरा हिसाब किताब मिलेगा। अभी जो ऑर्डर जो मुझे लेना है वो इस रेस्टोरेंट से लेना है, श्री राम भोजनालय करके। तो आइए देखते हैं कब तक देते हैं ऑर्डर। दोस्तों अभी एक ऑर्डर डिलीवर किया है अल्लापुर, इस लोकेशन का नाम है ये। एक्चुअली जहाँ से मैंने ऑर्डर लिया स्टेशन के पास में, वहाँ पे बारिश हो रही थी, और जब यहाँ पे आया तो बारिश ख़त्म हो गई थी, तो बड़ी बुरी हालत। तो अब देख रहे हैं यहाँ धूप हो रखी है और वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो जब यानी बड़ी दिक्कत हो जाती है, बार बार कभी रेनकोट निकालो कब फिर पहनो रखो, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आइए अभी तो ऑर्डर दे दिया, अब दोबारा अब सिविल लाइन अपने जोन के लिए निकल। पिज़्ज़ा हट का ऑर्डर लिया है मैं, पिज़्ज़ा हट का ऑर्डर लेके आया हूँ मैं। ये एक्चुअली क्या है कि मेरी जगह है वहाँ पे मुझे ये देना है ये ऑर्डर। आइए चलते हैं फिर इस ऑर्डर को देने, और आपको ये भी दिखाता हूँ कि नैनी का पुल कितना बढ़िया बना हुआ है, वहाँ से गंगा जी दिखाई देती है। आइए चलते हैं। मैं एक जगह में रुक गया था, तो सोचा कि थोड़ा सा भुट्टे खा लिया जाए, तो वही अभी भुट्टे खाने के लिए
रुके हुए हैं। और ये देखिए कि ऊपर बरसात का मौसम का लग रहा है, शायद बरसात होगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी दीवार, ये बेसिकली नई जेल है, जेल है यहाँ पर सबसे बड़ी जेल है। बस अभी हो जाए क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। अभी मैं कस्टमर की लोकेशन पे बस पहुंच ही गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, बस वेट कर रहा हूँ उनके आने का। तो देखते हैं कब तक आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों कस्टमर की लोकेशन पे यानी ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है, अब निकल रहे हैं सिविल लाइन की तरफ अपनी लोकेशन पे। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये करीब करीब 10-12 किलोमीटर था हमारी लोकेशन से दूर, तो अब अपनी लोकेशन पे जा रहा हूँ क्योंकि बरसात होगी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। दोस्तों फिर से दोबारा मैं कल मिलूँगा, मैं एक नए ब्लॉग में कुछ नया दिखाने की कोशिश में करूँगा। जो मुस्तफा बने रहिएगा, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कहना चाहते हो कुछ भी उससे तो आप कमेंट्स करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब होंगे तो यूट्यूब को या गूगल को लगेगा नहीं कि हाँ भाई इसका वीडियो कुछ मतलब है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कहिए, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।